अपने देश भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके विद्यार्थियों ने उनसे उनका जन्म दिवस मनाने के लिए विनती की थी, पर उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर राधाकृष्ण ने इसका जवाब दिया और कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने की जगह तुम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाओगे तो मुझे गर्व महसूस होगा। इसके बाद से राधाकृष्ण का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में अपने देश में मनाया जाने लगा। राधाकृष्ण एक शिक्षक के साथ दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी थे और भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में रहकर देश के लिए उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था। महान शिक्षक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक गरीब ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1988 में पैदा हुए थे। वो एक समझदार और मेहनती बालक थे जिसने बहुत सी छात्रवृत्तियां पाई हुई थीं। डॉक्टर राधाकृष्ण ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक रहते हुए अपनी लिए बहुत से प्रिय छात्र बटोरे थे। केवल विद्यार्थी ही नहीं, सभी लोग उनका बहुत सम्मान किया करते थे। देश की सेवा के साथ भारत के शिक्षा क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सर्वपल्ली ने बहुत काम किया था। उन्होंने अपने मूल कार्य को पहचाना, तभी आज उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली का मानना था कि एक शिक्षक का मस्तिष्क इस देश के सभी लोगों में सर्वोपरि होता है। अपने वक्त के सबसे कुशाग्र दार्शनिकों में एक गिने गए बर्ट्रेड रसेल ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के राष्ट्रपति नियुक्त होने की अहमियत को नोट करते हुए लिखा, दर्शन शास्त्र के लिए बड़े गर्व की बात है कि डॉक्टर राधाकृष्ण भारत के राष्ट्रपति बने हैं, और एक दार्शनिक के रूप में मुझे इसकी खासी खुशी हो रही है। प्लेटो की इच्छा थी कि दार्शनिक को राजपद मिले और भारत को बड़भागी माना जाएगा जो उसने एक दार्शनिक को राष्ट्रपति बनाया है।